जो सफलता की गारंटी देता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं आखिर ये दिन इतना खास क्यों है और ज्योतिषाचार्य का क्या कहना है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा। बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। काशी के कायाकल्प का अध्याय लिखने वाले नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद गंगा पुत्र नामांकन करने काशी पधार रहे हैं और उस रिकॉर्ड को कायम करने जा रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में पीएम मोदी के लिए वैदिक और तंत्र विधि से पूजा की जा रही है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पीएम मोदी वाराणसी में न सिर्फ नामांकन करेंगे बल्कि एक दिन पहले भव्य रोड शो भी करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पीएम मोदी के नामांकन का जो दिन चुना गया है वो बेहद अहम है। पीएम मोदी 14 मई को काशी से नामांकन करेंगे। 14 मई को गंगा सप्तमी है और इस दिन किसी कार्य का विशेष फल मिलता है। कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र का दिन राजसत्ता का अद्भुत संयोग है। पुष्य नक्षत्र में कार्य करने से सफलता मिलती है और 14 मई मोदी को राजसत्ता का भोग दिलाने की गारंटी भी देता है। तभी तो ज्योतिषाचार्य भी मान रहे हैं कि यह मोदी फिर से रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका नामांकन होने जा रहा है 14 तारीख को। दिन होगा मंगलवार, तिथि होगी सप्तमी। अगर हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का अवलोकन करते हैं तो बहुत अच्छा एक संयोग बन रहा है, एक अच्छा मुहूर्त स्थापित तो हो रहा है। हम देखते हैं कि तिथि तो सप्तमी तिथि है जिसका स्वामी होता है सूर्य। सूर्य ग्रहों का राजा है तो राजकीय पद के लिए वह नामांकन करने जा रहे हैं, देश का नेतृत्व करने के लिए वह नामांकन करने जा रहे हैं, तो ये वार अपने बहुत महत्व का वार है। बीजेपी से परे अगर आम जनमानस की बात करें तो वाराणसी में मोदी के प्रशंसक अपने अपने तरीके से जीत की कामना कर रहे हैं जिसमें अनोखा प्रचार, तंत्र, पूजा और अनुष्ठान भी शामिल है। कि सनातन धर्म उज्जवल हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, उसे इस वर्तमान समय में एक ही व्यक्ति योग्य है जो सब सर्वजग जाहिर है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके लिए हम लोग हमने विचार किया कि इनकी विजय के लिए कार्य होना चाहिए। जो देश का हित चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, पुनः विश्व गुरु बने, जो चाहते हैं कि हमारे देश की धाक पूरे विश्व में जमे, जो चाहते हैं कि हमारा देश विश्व बंधुत्व के राह पर और आगे बढ़े, जो चाहते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व को दिशा दिखाए, जो चाहते हैं कि हम सभी देशवासी सुरक्षित रहें, आगे बढ़ें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, उन सब की कामना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः जीतें, भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। गंगा सप्तमी के दिन पीएम का नामांकन करना उनके मजबूत संकल्प को मजबूत आधार देगा। वहीं पीएम मोदी की तरफ से इस दिन को चुनना सनातन धर्म के प्रति विश्वास और आस्था का मजबूत उदाहरण भी पेश कर रहा है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।